का मतलब ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो दोनों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा वो क्लियर होगा, मतलब दोनों एक दूसरे की पॉलिसी से अच्छी तरह से सहमत होंगे, ठीक है। एंड ई कॉमर्स कंपनी मस्ट क्लियरली स्टेट हाउ इंटेंट्स द यूज ऑफ कस्टमर डेटा कंटेंट दिस दिस वे सच एज यूजर लोकेशन, यूजर बाइंग हिस्ट्री, यूजर प्रेफरेंसेस। ये जो कंपनी होती है, जो जैसे सपोज आपने अमेजोन डाउनलोड किया अपने मोबाइल पर, तो फिर क्या होगा कि इसमें जो है कंपनी आपके लोकेशन को, आपकी बाइंग हिस्ट्री को और यूजर प्रेफरेंसेस को जरूर सेव करेगी, ठीक है। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं, मतलब लेकिन उनमें क्या है कि कुछ चीजें कंपलसरी होती हैं, तो आपके इस डेटा को तो शेयर करेगा ही करेगा, ठीक है। कस्टमर कैन रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ पर्सनल, जो कस्टमर है वो इस इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। हाउ टू सेफ गार्ड यूजर प्राइवेसी, इस सेफ गार्ड मतलब क्या प्राइवेसी को आप कैसे सेफ रख सकते हैं। द मर्चेंट ऑफ द सेलर मस्ट क्लियरली स्टेट दैट हाउ द यूजर डेटा विल बी यूज्ड, जो मर्चेंडाइजर होता है वो क्लियरली ये बता देता है कि इस डेटा का यूज हम कहां कहां करेंगे। इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द साइट एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसकी टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से वो आपका डेटा जो आप रजिस्टर किए, आप अपना फोन नंबर रजिस्टर किए हैं, अपना अकाउंट रजिस्टर किए हैं, अपना नेम रजिस्टर किए हुए हैं, अपना एड्रेस रजिस्टर किए हुए हैं, ये डेटा वो किस किस को शेयर करेगा उसको, ये केवल उसकी पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। आप सपोज आपने आप जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो अमेजोन तो प्रोडक्ट बेचती नहीं है, तो अमेजोन किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट खरीदती है तो वो उस थर्ड पार्टी को आपका एड्रेस आपका सेंड कर देगा। अब वो थर्ड पार्टी जो है आपके एड्रेस को क्या कर सकती है, आपके एड्रेस को डिटेक्ट करके आपका एड्रेस तक मालूम कर सकती है कि ये बंदा कहाँ पर रहता है, क्या इसकी लोकेशन है, क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, सब कुछ। क्योंकि जो भी आप मंगाते हैं कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पर, तो उस पर पूरा एड्रेस छपा होता है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो वो शेयर करेगा ही करेगा। दूसरी चीज, द मर्चेंट और सेलर मस्ट इंश्योर दैट द यूजर हैज गॉन थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन ऑन इट साइट एप्लीकेशन प्रायर टू मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले यूजर को सारी चीजें पता देती है कंपनी की, हाँ हाँ ये जो चीजें होंगी वो आपसे पूछी जाएंगी, आपको ओटीपी आपको आएगा, वो ओटीपी आपको कंपनी के लिए भरना पड़ेगा, तब जाके ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा और तब जाके आपका प्रोडक्ट आप खरीद पाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यूजर जो है वो प्राइवेसी को अपनी सेटअप करके रखता है। ऑनलाइन फ्रॉड, अब ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट कॉल ऑनलाइन फ्रॉड। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट मीडियम है आपका और इंटरनेट मीडियम होने पर आप मैं सबको कॉल कर लेता हूँ एक बार, ये लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। चलो, अब ऑनलाइन फ्रॉड मतलब आप जो है ऑनलाइन रहते हुए कोई भी किसी भी चीज को एक्सेस कर रहे हैं विदाउट टर्म्स और कंडीशन, तो वो हमारा क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड है। फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट, ऐसा फ्रॉड जो इंटरनेट का यूज करके होता है उसको ऑनलाइन फ्रॉड बोलते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड में अकर इन मैनी फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स में ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। कैसे, फर्स्ट नॉन डिलीवरिंग गुड्स, नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉडलमेंट पेमेंट्स। आप किसी का पैसा निकाल सकते हैं, जो नॉन डिलीवरिंग गुड्स है उनकी डिलीवरी आप मंगा सकते हैं। नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज, जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं है उनके नाम से आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं लोगों को। स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जो
मेजर्स इसके क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या इनसे सिक्योरिटी कैसे कैसे कर सकते हैं। द मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी इंश्योर दैट द सैंक्शनिटी ऑफ ई कॉमर्स कंपनी एंड डिलीवरिंग गुड्स और प्रोडक्ट सर्विस आर प्रोमिस्ड। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म कैन बी ई कॉमर्स, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन फैसिलिटी को प्रोवाइड कराती हैं, या जो पेमेंट गेटवेज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी दिए हुए हैं, ठीक है, कि उनमें कोई भी ट्रांजेक्शन जब हो रहा है तो उसको फिर कोई ना देख पाए या उसको कोई ट्रैक ना कर पाए, ठीक है। ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफ गार्ड्स ऑन सेलिंग यूजर्स डेटा ऑन थर्ड पार्टीज, कोई भी कंपनी आपका डेटा एक्सेस करती है और वो किसी तीसरे को अगर बेचती है तो उसके लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस मौजूद हैं, क्योंकि आपका डेटा बड़ा ही क्या नाम है, जिसको कहना चाहिए, बड़ा ही पावरफुल होता है, और ये चीज़ें कंपनीज एक दूसरे को शेयर कर सकती हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट कंपनियां जो हैं वो इस डेटा का यूज़ करती हैं, ठीक है, तो एक लेवल तक वो यूज़ कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर मिसयूज़ करेंगे तो आप उनको लॉ अगेंस्ट, मतलब उनको आईटी एक्ट के तहत आप जो है उनके ऊपर उनकी कंप्लेंट आप जो है कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि एंश्योर दैट द एड्रेस कंटेन HTTP एंड ए पैड लॉगिन साइन। एक HTTP, अगर जितना भी आप वेबसाइट को विजिट करते हैं वो सारी की सारी वेबसाइट जो कैसी होनी चाहिए वो HTTP से उनकी शुरुआत होनी चाहिए और उसमें पैड लॉग साइन आना चाहिए, ठीक है। जब पैडलॉक साइन आएगा तो इससे यह आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये वेबसाइट हमारी सेफ और सिक्योर है। व्हेन द वेबसाइट गेट्स लोडेड बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग ऑन इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट द वेबसाइट एड्रेस अ सेफ साइट यूआरएल स्टार्ट्स फ्रॉम HTTP:// एंड नॉट विद HTTP:// ., ठीक है, /के बाद डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डॉट है तो इसका मतलब वो जो है फ्रॉड साइट है और उसमें पैडलॉक होना चाहिए। इसके बाद आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। साइबर क्राइम एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और मीडियम्स के द्वारा होता है, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसमें शामिल होते हैं। अब जैसे लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर्स और इंटरनेट। इन द टर्म साइबर क्राइम इज अ जनरल टर्म दैट कवर्स क्राइम लाइक फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इलीगल डाउनलोडिंग, इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म, क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरस, स्पैम एंड सो ऑन। इतने तरह का साइबर क्राइम होता है, ठीक है, जितना मैंने बोला। कौन कौन सा? पहला फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इलीगल डाउनलोडिंग, इंडस्ट्रियल एस्पोनेज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म, क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरस, स्पैम्स एंड सो ऑन। ऐसे लगभग 10 या 12 तरह के साइबर क्राइम के अंतर्गत जो है वो आते हैं ये सारी चीजें, अगर आप ऐसा इसमें से कोई कुछ भी कर रहा है। इसमें सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। व्हाइल वर्किंग ऑनलाइन यू हैव टू एंटर एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यू व्हेन इंफॉर्मेशन। अरे ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा पहले, क्यों? स्पैम पढ़ा चुका हूं, लीगल डाउनलोड्स पढ़ा चुका हूं, क्यों? अरे बोलिए, कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? उमांगी, सुदीप कुमार, उमांगी निगम, यस सर, कहाँ सो जाती हो कि आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? वर्क करे।
अच्छा वर्क कर रही हो साथ साथ में, वेरी गुड। सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसी के नोट्स बना रही हूँ। अच्छा नोट्स बना रही, तो नोट्स तो मैंने भेजे नहीं, मैं इसको भेज दूंगा नोट्स, मेरे पास सब कुछ रेडीमेड पड़ा हुआ है, आपको केवल पढ़ना भर है या समझना है, तो पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखते रहिए। तो इन्फॉर्मेशन थेफ्ट क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने बड़ी मेहनत से, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करके आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, और उसको आपने अपने लैपटॉप में रखा हुआ है उस इन्फॉर्मेशन को, आपका कोई भी दोस्त आया और आपसे उस इन्फॉर्मेशन को लैपटॉप में लगाया, पेन ड्राइव में करके ले गया और अपने नाम से उसने उसको प्रिंट करा लिया, उसके नाम से जो है उससे वो इन्फॉर्मेशन उसके काम की थी, तो उसने उसको और कहीं बेच दिया अपने नाम से, तो आप वो होता है इन्फॉर्मेशन थेफ्ट, मतलब इन्फॉर्मेशन को चुराना। अब जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बनाया बढ़िया सा, ठीक है, अभी क्लास 12th में आप जब आएंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, कोई भी ऐप या कोई वेबसाइट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो ऐप आपने बनाया मेहनत से, बड़ी ढूंढ ढाड़ के काफी सारा एफर्ट लगाया उसमें, टाइम कंज्यूम किया, थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च किया, और वो किसी बच्चे ने आपका कॉपी कर लिया, ठीक है, और अपने नाम से मेरे पास लेके आ गया कि हाँ भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है सर, इसको देख लीजिए, तो बनाया तो सुदीप ने था, अब ले गया कोई और, तो जब ले गया कोई और तो वो इंफॉर्मेशन थेफ्ट होता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इसमें सबसे पहले आता है फिशिंग। फिशिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल ओवर द इंटरनेट बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन। इंफॉर्मेशन टिपिकली टारगेटेड बाय फिशिंग स्कीम्स इंक्लूडिंग पासवर्ड्स, यूजर नेम, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। द टर्म फिशिंग इज प्ले ऑफ प्ले ऑन फिशिंग। हैकर्स यूज वायरस फॉर्म्स ऑफ बेट इन ऑर्डर टू कैच अ विक्टिम। इस कुछ वायरस सेंड करते हैं वो लोग जो हैकर्स होते हैं, और उससे क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, मतलब फिशिंग का मतलब होता है जब लोग नदी में कांटा नहीं डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो मछली जो है उस खाने के चक्कर में उसमें जैसे ही मुंह लगाती है वो फंस जाती है उसमें, तो उसी टर्म्स को फिशिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हैकर्स और जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह का कोई भी आपको एक मतलब कुछ ऐसा आपको दिखाएंगे एडवर्टाइजमेंट में कि हाँ आप इतने डॉलर जीत गए हैं, आपको आपको जो है इतना करोड़ का इनाम मिला है, या इतने हजार आप पाउंड जीत गए हैं, या आप इतने डॉलर्स जीत गए हैं, तो आप इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने पर आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, वो एक्चुअली क्या होता है, ये इस तरह के वायरसेस और वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं आपके सिस्टम, जैसे ही आप ओके करते हैं तो वो सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं आपके, और एंट्री करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, कौन कौन सी, जैसे कि आपके पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स पड़े हुए हैं, ये नंबर्स जो हैं, ऐसी सारी चीज़ों को वो ट्रैक कर लेता है और हैकर्स तक भेज देता है। तो इट इज अ क्राइमली फॉर्डर्ड प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज, आप किसी भी व्यक्ति का यूजर नेम, पासवर्ड, उसका आप क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, अकाउंट डेटा वगैरह आप किसी का नहीं चुरा सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ, आपको आईपीसी के जो आईटी एक्ट है उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, कोई अगर आपका रिकॉर्ड आपकी जो है कंप्लेन कर दे पुलिस में अगर, तो इन सब इसको बोलते हैं फिशिंग, या इसी को इंफॉर्मेशन थेफ्ट बोलते हैं। इसके बाद स्कैम्स, एनी फ्रॉडलमेंट बिजनेस प्रैक्टिस दैट एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग इग्नोरेंट पर्सन इज कॉल्ड अ स्कैम। स्कैम क्या होता है कि कोई भी एक फ्रॉड बिजनेस आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आपने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो है आईपी टिकट ऑनलाइन हो गए, और आप जो है हमसे टिकट खरीदिए और हम आपको टिकट देंगे ऑनलाइन, और आप जाके मैच देखिए, तो क्या हुआ कि एक वेबसाइट बना ली और उस पर रजिस्टर करा लिए लोगों से, और वहीं से हम टिकट देना शुरू कर दिए, पैसा कमा लिया आपसे खूब सारा, तो इसको बोलते हैं स्कैम, है फर्जी टिकट घोटाला हो जाएगा आईपीएल का। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग जो है अपनी वेबसाइट बनाकर उसको जो है पब्लिश कर देते हैं नेट पे,
तो लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। कभी कभी देखा आपने नोकिया का फोन 300 रुपए में फेसबुक या रेडमी का फोन 300 रुपए में फोन पे मिलता है, वहां से वो लिंक देते हैं आपको, तो आप लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ जाइए, उसमें कई सारे और लिंक्स होते हैं। तो ये क्या है, सब फ्रॉड होता है, टोटल ऑनलाइन फ्रॉड जिसको बोलते हैं, और एक बार स्कैम्स का रूप ले लेता है। इसके बाद ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, नेवर एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर एनी एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपको बगैर किसी मतलब ऐसी वेबसाइट्स जिन पर आपको शक हो कि ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, ऐसी वेबसाइट्स पर बिल्कुल भी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर शेयर ना करें, और ऐसी वेबसाइट्स को यूज ना करें या ऐसी वेबसाइट्स को यूज ना करें जहां पर आपको डाउट हो। आप अपनी क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी वहां शेयर ना करें, और ध्यान दें कि उसकी जो वेबसाइट का जो स्टार्टिंग नेम है वो HTTPS से शुरू हो, और उसमें जो है वो पैडलॉक होना चाहिए। दूसरा, नेवर रिप्लाई ईमेल्स ऑफ अननोन और अनरिलायबल सोर्सेज। जो अनरिलायबल सोर्सेज हैं उनको कभी भी ईमेल आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। नेवर क्लिक एनी एनी लिंक्स दैट इज रिसीव फ्रॉम योर ईमेल। ऐसा कोई ईमेल लिंक आपके पास आया है उसको बिल्कुल भी धोखे से भी उसको क्लिक करके उसको ऑन एक्टिवेट ना करें, ठीक है। उसके बाद नेवर रिस्पॉन्ड ईमेल एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग यू हैव वॉन समथिंग। ऐसी कतई ईमेल को आप रिप्लाई ना करें जिसमें ये लिखा हो कि आप बहुत सारा पैसा आप जीत चुके हैं, ठीक है। इलीगल डाउनलोड्स, इलीगल डाउनलोड्स क्या होता है, इलीगल डाउनलोड्स रेफर ऑब्टेनिंग फाइल्स विच यू डोंट हैव अ राइट। आपके पास वो राइट नहीं है फिर भी आप फाइल को डाउनलोड किए जा रहे हैं, तो फिर आपके अगेंस्ट लीगल मतलब कार्रवाई आपके पास हो सकती है, आपका FIR हो सकती है, पुलिस आपको पकड़ सकती है, कम मतलब आपको मुकदमा चल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डाउनलोडिंग अ मूवी विच इज नॉट अवेलेबल फ्री फॉर फ्री डाउनलोड। अब हम लोग क्या करते हैं, नेट पे मूवी आ गई, फटाक से किसी ने डाउनलोड करके देख ली उसको, हालांकि वो ऑनलाइन मौजूद नहीं है, लेकिन लोग चोरी छुपे इंटरनेट पर फ्री मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अगेंस्ट द लॉ होता है, आप रिलीज होने पर अगर वो उस प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है अगर आपको, तो आप वो मूवी को नहीं दे सकते। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, वहां पर जाके आप मूवीज को देख सकते हैं। इसके बाद साइबर लॉ एंड IT एक्ट। अब साइबर लॉ क्या होता है, साइबर लॉ इज ए जेनरिक टर्म विच रेफर्स टू ऑल लीगल एंड रेगुलरी एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। साइबर लॉ जो है और IT एक्ट है वो एक जेनरिक टर्म है जिसका कि लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट जो कि इंटरनेट और वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर होती हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी एक्ट है, मतलब उनको कंट्रोल करता है ये साइबर लॉ। और एनीथिंग कंसर्न विद रिलेटेड टू द एमरेटिंग फ्रॉम एनी लीगल एस्पेक्ट एंड इश्यूज कंसर्निंग एक्टिविटी ऑफ नेटिजन्स एंड अदर साइबर स्पेस कम्स विद इन एमिट ऑफ साइबर लॉ। मतलब कुछ भी ऐसा अगर इलीगल कुछ भी होता है तो साइबर लॉ के अगेंस्ट वो उसके अंतर्गत आ जाता है। मतलब आप कुछ भी इलीगल अगर कर रहे हैं इंटरनेट पर तो वो साइबर लॉस के अंतर्गत आएगा और आप पर मुकदमा चलेगा, ठीक है। और जैसे साइबर लॉ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टचेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस। साइबर लॉ जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सभी ट्रांजेक्शंस, जितने भी तरह के ट्रांजेक्शंस होते हैं ऑनलाइन और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सबको कवर करता है। एंड कंसर्निंग इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइबर स्पेस। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट और साइबर स्पेस तीनों को ये कवर करता है। ऐसा नहीं है कि केवल इंटरनेट पर फ्रॉड हुआ, आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर आप जाके आपने किसी दूसरे मीडियम से आपने क्राइम किया, लेकिन ये तीनों चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। मतलब साइबर लॉस के अंतर्गत आप आएंगे और आपके ऊपर FIR हो सकती है, आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। अभी बांदा में एक केस हुआ है आपके यहाँ, एक बांदा में एक इंजीनियर पकड़ा गया, ठीक है, और वो बच्चों के वीडियो बना बना के जो है दूसरी कंपनी को सेल करता था, और CBI के शिकंजे में आ गया है और ढंग से फंस गया है वो।
तो ऐसे बदमाश लोग भी होते हैं। और इंडिया आईटी एक्ट एंड आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, पहले तो आईटी एक्ट बना, उसके बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए। इन इंडिया द साइबर लॉज इज एनफोर्स थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये आईटी एक्ट 2000 बना, विच इज नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। इट इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉज मॉडल लॉ। ये उस मॉडल लॉ पर जो है पूरा आईटी एक्ट बना हुआ है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू उस पूरे मॉडल पर इस लॉ को बनाया गया है। द आईटी एक्ट 2000 प्राइम पर्पस इज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स सेक्टर है उसको जो है वो लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड की गई है, एंड टू फैसिलिटेट फिलिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की हेल्प से उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को आप एंटर कर सकते हैं, प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ई कॉमर्स इन इंडिया। मतलब ई कॉमर्स जो है उस सेक्टर को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने मान्यता दी है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करा सकते हैं, और अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी चीज आपके होती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर मतलब जो है वो कार्रवाई करेगी उसके ऊपर, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के अंडर में ही बना है ये जो आईटी एक्ट है। द आईटी एक्ट वॉज अमेंडेड इन दिसंबर 2008 थ्रू आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। इट प्रोवाइडेड एडिशनल फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इट इज एडेड सेवरल न्यू सेक्शंस ऑन ऑफेंसेज इंक्लूडिंग साइबर टेररिज्म एंड डेटा प्रोटेक्शन। पहले जब एक्ट बना था उसमें साइबर टेररिज्म और डेटा प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में इन दोनों चीजों को भी जोड़ा गया। कि जैसे आप अभी आप देखिए कि आईएसआईएस लोग जो हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑनलाइन लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक साइबर टेररिज्म है। लोगों को मारने के वीडियोस, ठीक है, और ये सब चीजें जो है वो पोस्ट करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, साइबर टेररिज्म होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी वेबसाइट्स को बैन किया, और जिन लोगों ने उसको क्रिएट किया उनको भी पनिश किया गवर्नमेंट, या उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। और आपका डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को, है ना, और आपका जो पर्सनल डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि उस समय लोगों ने डेटा को सेल करके कंपनियों ने बहुत सारा पैसा कमाया, तो उस पर भी ये इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट हुआ 2008 में, ठीक है। और ये सितंबर 2009 में ये एक्ट जो है वो इन्फोर्स किया गया, और उसके बाद ये मतलब इस पर लोगों ने मुकदमे करने शुरू किए। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपका डेटा चोरी हो जाए तो कोई मुकदमा आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आईटी एक्ट में 2008 में ये दोनों चीजें कंपलसरी कर दी गई। इसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, ई स्क्रैप वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डिस्क्राइब डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आल्सो डिफाइंड एज डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, ऑफलाइन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, एंटरटेनमेंट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर। ये सारे क्या होते हैं, ई वेस्ट होते हैं। दिस इंक्लूड्स यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विच आर डेस्टिनेटेड फॉर रीयूज, रीसेल, सेल्वेज, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। अब ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कंटेन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ पर, मोबाइल फोन में, रेफ्रिजरेटर में, टेलीविजन्स में, रेडियोज में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, ठीक है, एंड द कंपोनेंट ऑफ कॉपर, और कुछ कॉपर भी होती है इसके अंदर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल, टिन, लेड, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ये भी सारी चीजें इक्विपमेंट्स में होती हैं। और ई वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड रिकवरिंग ऑफ डिस्पोजल मटेरियल। ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इनका प्रॉपर रिसाइकलिंग और रिकवरिंग है, ठीक है। द रिसाइकल एंड रिकवरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशंस। जो रिसाइकलिंग और रिकवरी जो है वो ये चीजें, ये सारी यूनिट्स को परफॉर्म करती, कौन कौन सी यूनिट्स वहां पर होती हैं जिससे ई वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। पहला है डिसमेंटलिंग,
ठीक है, डिसमेंटलिंग क्या करती कि सभी चीजों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप सीआरटी खोलेंगे अगर, कंप्यूटर्स के जो पहले मॉनिटर्स होते थे बड़े बड़े, उनमें एक सीआरटी रहती थी, एक पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता था, स्पीकर्स होते थे, या स्पीकर्स नहीं होते तो किसी किसी में जो है और भी चीजें होती थी, वायर्स वगैरह रहते थे, पावर सप्लाई यूनिट रहती थी, इन सबको अलग अलग कर लिया जाता है सभी कंपोनेंट्स को। उसके बाद सेग्रेटिंग ऑफ फेरस मेटल्स, नॉन फेरस, मेटलिक एंड प्लास्टिक, फिर क्या करते हैं उसमें सेग्रीगेट करते हैं क्या, फेरस मेटल को यानी जो लोहे की बनी है, नॉन फेरस जो बगैर लोहे की बनी है, और प्लास्टिक, इन तीनों चीजों को अलग अलग करते हैं। फिर रिफर्बिशमेंट एंड रियूज, अगर उसमें कोई भी चीज काम की है तो, या उसमें कोई भी ठीक होने की गुंजाइश है तो उसको वापस ठीक करके वो रिफर्बिश्ड कर देते हैं। अब रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड वैल्यूएबल मटेरियल्स, उसके बाद क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है, उसमें जो वैल्यूएबल मटेरियल्स होते हैं उनको अलग कर लेते हैं और उसके बाद उनको दोबारा से रिसाइकल कर देते हैं। ट्रीटमेंट, डिस्पोजल एंड डेंजरस मटेरियल एंड वेस्ट, और उसके बाद जो है, जो जितना भी डेंजरस वेस्ट है, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी जिसको बोलते हैं, ट्रीटेड थर्मली, उसको थर्मली प्रिंट ट्रीटेड किया जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, इन सर्किट एंड डिस्पोज्ड ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज, इनमें जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनको जमीन में दबा के उनको खत्म कर दिया जाता है। मरकरी इज ऑफन रिसाइकल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ अंडरग्राउंड लैंडफिल साइट्स, और मरकरी को भी जो लैंडफिल साइट्स होती हैं जहां पर गड्ढे वगैरह होते हैं उनको भरने में भी वहीं पर उनके नीचे दबा के उसको मिट्टी के नीचे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो ये होता है ई वेस्ट में। बेनिफिट क्या क्या है इसके, अलाउज रिकवर एंड वैल्यूएबल प्रीशियस मेटल्स, जो प्रीशियस मेटल्स हैं जो इन जो इसमें यूज होते हैं उनको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर वाटर क्वालिटी, अगर कोई भी इधर उधर फेंक देगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, तो इससे पब्लिक हेल्थ और वाटर क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्रिएट जॉब्स, ऐसे बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट करता है। टॉक्सिक वेस्ट, माइनिंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिक वेस्ट विच इज लिंक्ड टू द क्रॉप डिवास्टेशन एंड ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस ड्यू टू द वाटर कंटेमिनेशन, ऐसी चीजें जो वाटर कंटेमिनेटेड होती है मतलब पानी में घुलनशील होती हैं, ऐसे टॉक्सिक वेस्ट जो हैं वो फिर क्या करते हैं, पानी के साथ फसलों में चले जाते हैं और फसलों में जाने के बाद वो टॉक्सिक बन जाती हैं, जो फसलें हैं हमारी वो उनमें जहर घुल जाता है और जिस जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर सीधा पड़ता है। ठीक है, सेव्स लैंडफिल स्पेस, कई कहीं पर ऐसी लैंडफिल स्पेस हैं जहां पर गड्ढे हैं या इस तरह की चीजें हैं, उनको हम लोग फिल करने के काम में भी लाते हैं। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। सो नाउ टुडे चैप्टर इज ओवर, मींस द होल सिलेबस इज ओवर। वी हैव टू कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। जो हमारा चैप्टर्स हैं इनको, और आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया हुआ है कि नहीं बनाया अभी तक आप लोगों ने, क्लास 11th, जो क्लास 11th के में बच्चे हैं, क्या इन्होंने अपना प्रैक्टिकल फाइल बनाया है, एक प्रैक्टिकल फाइल बनाकर और उसमें अपने प्रोग्राम्स लिख लीजिए, कम से कम 25 प्रोग्राम्स उसमें होने चाहिए। जो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, पेज नंबर आपका जो पहला चैप्टर कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, वहां से लेकर आपको डिक्शनरी टपल्स तक जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें 25 प्रोग्राम्स को फाइल पर लिखना है, क्योंकि फाइल जो है आपकी वो 15 मार्क्स की होती है, नहीं, फाइल जो होती है आपकी प्रैक्टिकल फाइल, आपकी रिपोर्ट फाइल जो होती है 7 नंबर की होती है और उस पर वाइवा जो है वो 2 मार्क्स का होता है, तो 7 और 2 9 मार्क्स, और उसके जो लेबोरेटरी एक्टिविटी होती है वो 10 मार्क्स की होती है, जिसमें आप 2 प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 60% नंबर जो है वो लॉजिक से मिलेंगे, 20% डॉक्यूमेंटेशन पर मिलेंगे आपने कैसा लिखा है, और 20% आपकी कोड क्वालिटी, इन तीनों को मिलाकर और उस पर आपका 7 और 3 मिलाकर पूरा 10, और 7 और 2 आपके फाइल के,
और एट और थ्री प्रोजेक्ट के मिलेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट हम लोग छोड़ देते हैं, इलेवेंथ में प्रोजेक्ट नहीं बनवाते बच्चों से। लेकिन आप फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है इलेवेंथ का, वो इतनी चीजें कंटेन करेगा, आपका प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल होने के बाद आपका वाइवा होगा और प्रैक्टिकल फाइल, ये तीन चीजें इंक्लूड रहेंगी आपके प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल्स की फाइल भी आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो आपका क्लास 12th का बोर्ड प्रैक्टिकल है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 8 फरवरी तक चलना है, और उसी के बीच में हम आप लोगों को भी बुलाएंगे क्लास 11th के स्टूडेंट्स को, और प्रैक्टिकल कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद ही एनुअल एग्जाम होगा। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिकल फाइल आप लोग रेडी कर लीजिए। अब हम लोग मुझे जरा, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम अटेंड करते हैं मीटिंग, जिसमें से मुझे लगता है कि सुमित गुप्ता ने कभी नहीं किया, तैयबा भी बहुत कम करती है, तनुश्री पहले अटेंड की हैं, अभी पता नहीं क्या हो गया, टीशा आहूजा ने भी कभी नहीं करी, और यशवर्धन पाठक भी कभी कभार वाले हैं, यश प्रताप आज पता नहीं क्यों मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने बच्चे मीटिंग अटेंड करते हैं वो प्लीज अपने जो टेक्स्ट, अभी जो क्लास, अभी जो पीरियोडिक टेस्ट होना है, वो मैडम ने बोल दिया कि इट इज ऑफलाइन, मतलब आपको स्कूल आकर ही जो है वो टेस्ट देना है। ठीक है, आप लोग ऑफलाइन ही आएंगे और ऑफलाइन ही टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट अभी फिलहाल नहीं होगा, ऐसा इस प्रिंसिपल मैडम का इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग जो हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो ऑफलाइन की तैयारी करें, ये मत समझिएगा कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और आप वहीं घर में बैठे बैठे जो है क्वेश्चन पेपर आपको पीरियोडिक का मिल जाएगा, और आपका जो पासिंग है क्लास 11th में वो इंटरनल मार्क्स बेस्ड होगा, यानी कि यही मार्क्स आपके हाफ ईयरली और पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2 और एनुअल, अगर एनुअल नहीं भी होता है, सपोज कोविड के चक्कर में को एनुअल जो है आपका ना हो पाए, पता नहीं फरवरी मार्च तक क्या सिचुएशन बनेगा, लेकिन आपने अभी तक जो टेस्ट दिए हैं और आपका जो अटेंडेंस है, इस पर ही आप बेस्ड होकर आपका प्रमोशन होगा नेक्स्ट क्लास में, क्लास 12th में। तो जितने भी लोग हैं वो अपने जो अटेंडेंस है उस पर ध्यान दें, और प्लस उसके साथ साथ अपना कोर्स कंप्लीशन और साथ साथ में जो आपने एग्जाम्स दिए हैं उसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, तो आई थिंक 4 मिनट्स लेफ्ट, सो एक मैं आपको एक जेंगो हमने एक बनाया है प्रोजेक्ट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, जो अगले साल आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं उसका थोड़ा सा एक आपको रिव्यू दे देता हूँ। कंप्यूटर्स में प्रोजेक्ट आप किस तरह से बनाएंगे, यस सुदीप यू वांट टू से समथिंग? सर नहीं बेटा, मैं स्कूल में नहीं हूं आज, ओके सर, मैं आपको 8 के बाद मिलूंगा, क्योंकि अभी मेरा मेडिसिन चल रहा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन, और मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं, और ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने मुझे 1 महीने बाद मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, तो जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक मैं अपने घर पर ही हूँ, और मैं लगभग 8 या 9 तारीख के आसपास मैं कानपुर आऊँगा, और वहीं से मैं तब बांदा के लिए ट्रैवल करूँगा, तो अभी तो फिलहाल मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो हैं अभी, अगर कोई भी ऐसी अगर सिचुएशन है, अगर कॉपी वगैरह चेक करनी है, तो वहाँ पर अमरेन सर है, अगर आप लोग आते हैं तो अमरेन सर आपका कॉपी चेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी के रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग ब्रजेंद्र सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे पाइथन के प्रैक्टिकल्स में। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ, मैंने एक जेंगो, जो डी जेंगो है आपके उसमें,
क्योंकि पाइथन से हम लोग वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक सी ड्राइव में एक माई जेंगो वर्क के नाम से प्रोजेक्ट बनाना था, मैंने प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पर क्लास 12 के नाम से, और ये जेंगो फाइल्स होती हैं। मैंने आलोक नाम से एक अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती हैं, और मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से क्लास 12 में जाऊँगा, यहीं पर मैं cmd कमांड टाइप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन रन सर्वर पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। ये देखिए हमको एक ये मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हमको पहले सर्वर पर सेटिंग करनी पड़ती है, तो अभी क्या है कि हमारे ये सर्वर में सेटिंग कर रहा है, और सर्वर में सेटिंग होकर हमको एक ये आईपी एड्रेस देगा। देखिए ये हमको एड्रेस दे दिया है कि HTTP, ये देखिए यहाँ पर HTTP:\from8000, ठीक है, ये हमको दे दिया है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम अपने वेब पेज है, जो ब्राउजर है उसमें ये लिख देंगे, ठीक है। और इससे हमने एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है, आप चाहें तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप काम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें HTTP:\ ये आ गया 128। इसमें मैंने पेज वन के नाम से एक बनाया हुआ है, तो मैं बैक स्लैश लिखूंगा पेज वन, ये पेज वन की सेटिंग मैंने की हुई है। देखिए इसमें आपको ये खुल के आ जाएगा आई लव माई इंडिया, और मैंने लिखा है इसमें नीचे आलोक कुमार कटियार। तो दिस इज द प्रोजेक्ट, और इस तरह से हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, हम चाहें तो स्टूडेंट का डिटेल्स एंटर करा सकते हैं, उनकी लिस्ट प्रिंट करा सकते हैं, उसको एक्सेल में अपलोड करके अपनी एक्सेल शीट में, अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं ऑनलाइन कर दूं, अगर तो मैं बच्चों की डिटेल्स को ऑनलाइन मंगवा सकता हूं, ठीक है। बच्चे को अपनी वेबसाइट खोलनी होगी, और वो वेबसाइट जो पेज होगा 127.0.18000 और पेज वन, आप जैसे ही इसको ब्राउजर में डालेंगे आपको वहां पर अपना नाम एक नेम आएगा, और अपना क्लास आएगा, और आपकी एज आएगी, आपका एड्रेस आएगा। इतना मैं बनाकर आपको सेंड करूंगा, और सारे बच्चे उसको ऑन करके अपना डिटेल्स फिल करके, जैसे ही आप डिटेल फिल करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक हम तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं बहुत सारी। तो ये अगले साल आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जैसे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आपका जो होटल मैनेजमेंट है उसका प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को बना के जो है एग्जामिनर को बताएंगे, उसकी प्रोजेक्ट फाइल बनेगी। तो ये मैंने चूंकि डी जेंगो में प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये जेंगो जो होता है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है पाइथन का, यानी पाइथन में प्रोग्रामिंग के अलावा आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी वेब पेज को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप बनाना पड़ेगा। अभी तो चूंकि रन क्लोज सर्वर कर देते हैं कंट्रोल सी, तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो सर्वर है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारा काम करना है अगले साल। तो मैं शुरुआत में ही आपको इंट्रोडक्शन, जब अगले साल जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं पहले से ही आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है और करनी है। और चूंकि 12th का सिलेबस इतना आसान नहीं है जितना आप 11th में समझ रहे हैं अभी, क्योंकि 12th में पाइथन जो है वो कुछ उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं, और प्लस आपका डेटाबेस भी है जो इस साल आपने लोगों ने नहीं पढ़ा है, जबकि पिछले साल जो था आपका डेटाबेस मौजूद था इसमें 11th में भी और 12th में भी, लेकिन इस साल आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं डेटाबेस, तो आपको वहां पर पूरी तरह से डेटाबेस को भी पढ़ना है, MySQL जो होता है। तो आज जो है हम लोग, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रिवीजन क्लास होगी, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और उसके बाद फिर हम लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे, और जितना भी कोर्स हो पाएगा उसको दोबारा रिवीजन करेंगे,
ठीक है, सो टिल देन बाय बाय एवरीवन।